हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन नेचर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जो चीज़ में आप देख रहे हैं ये कोई सेब नहीं, ये एक कश्मीरी रेड एप्पल बेयर का प्लांट है। और आप इसके रंग देख के बिल्कुल धोखा नहीं खाइएगा कि ये सेब है बोल के। दोस्तों, इनके रंग बिल्कुल सेब की तरह है और इनके स्वाद सेब से भी ज़्यादा सुंदर है और ज़्यादा ही स्वादिष्ट है। दोस्तों, ये प्लांट मैं शुरू से ही आपके साथ शेयर किया था, जब से प्लांट मैं ऑनलाइन खरीदा था, उनके अनबॉक्सिंग वीडियो से लेकर जब इनमें फ्लावर्स आए थे और फ्लावर से जब छोटे छोटे फ्रूट पर कन्वर्ट हुए थे, सारा चीज़ दोस्तों मैंने आपसे शेयर किया था। अगर आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। और अब ये प्लांट में जो फल है पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं और ये हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार है, तो इसीलिए मैं सोचा कि हार्वेस्ट का पहले भी आपसे शेयर करूँ कि इसमें फल किस तरह से आए हैं और इनके कलर कितने सुंदर है, कितने मनमोहक कलर है इसमें, बिल्कुल आई कैचिंग है दोस्तों। और देखिए, इसमें गुच्छे में फल आते हैं और इतने फल है कि मेरे जो भी इसके जो डाली है उसको एक सपोर्ट देना पड़ा है, उसको बांध के रखना पड़ा है, नहीं तो शायद ये टूट के गिर जाते। तो ऐसे ही कुछ वजन के कारण कुछ दिन पहले ये प्लांट भी गिर चुके थे और उसमें से बहुत सारे फ्रूट का नुकसान मुझे उठाना पड़ा था। फिर भी अभी भी जितने फ्रूट प्लांट में हैं वो बहुत ज़्यादा है और मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि 7-8 महीने के प्लांट से इतने फल का मैं उम्मीद नहीं किया था। और दोस्तों, मैंने इस पौधे को ग्रीन ट्री नर्सरी से बाई किया था और उस समय भी मैंने उनका नंबर सारा कुछ आपसे शेयर किया था। फिर भी मैं आपको जो नया देख रहे हैं उनके लिए मैं कह दे रहा हूँ कि ये प्लांट मैंने ग्रीन ट्री नर्सरी से ख़रीदा हूँ और उनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप अगर चाहे तो इस तरह के ओरिजिनल वैरायटी के फ्रूट प्लांट आप वहां से ख़रीद सकते हैं और बहुत ही अच्छे सेलर हैं, जेन्युइन सेलर हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं एक छोटे से बर्तन में, जो स्टील के बर्तन है, इसी में इस प्लांट को ग्रो किया हूं और अब इनको बड़े से पॉट में ट्रांसफ़र करने का समय आ चुका है। जब मैं पूरी फल को हार्वेस्ट कर लूँगा उसके बाद इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना पड़ेंगे, क्योंकि आगे साल के लिए मुझे ज़्यादा प्लांट को ग्रोथ कराना है और जितने ज़्यादा प्लांट बड़ा होंगे उतने अच्छे फ्रूटिंग भी होंगे। तो देखिए दोस्तों, कितने सुंदर इसके कलर है और कितने बड़े बड़े फल हैं, तो है ना सुंदर। आपको क्या लगते हैं इसके बीच, इस प्लांट के बारे में आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपको ये पौधे अच्छे लगे हो तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको किसे लगे हैं ये पौधा। तो मैं एक ओवरव्यू मैं दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों ऊपर से इसमें कैसे है फल। और बहुत सारे फल तो मैं तोड़ के खा चुका हूँ और जितने भी बचे हैं आज उसके फाइनल में सारे फल को मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। तो यही है दोस्तों, इस अच्छे वैरायटी का आप भी घर में लगा सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर घर में लगाइए, क्योंकि फूल के मैं फूल ज़्यादा घर में लगाता हूँ। एक ट्रायल के लिए मैं फल लगाया और मैं पहला साल सक्सेस रहा इस चीज़ में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें गार्डनिंग पसंद हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्लांट कैसा लगा हो और आप भी घर में लगाना चाहें कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।